हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 3.0 की क्लास नंबर 15 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में TCS टैक्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग किस प्रकार से करते हैं, और TCS टैक्स की एंट्री जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो उस टैक्स की एंट्री हमें टेली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करनी होती है, कितने प्रकार के हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में टैक्स के लेजर क्रिएट करने होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हमें इनेबल और डिसेबल करने होते हैं, तो ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाले हैं। जिसके हमारे पास में TCS टैक्स का प्रॉपर चार्ट है, उसका हमें कौन सा सेक्शन हमें यूज करना होता है और TCS का टैक्स रेट क्या होता है, किस कंडीशन के अंदर हम उसका टैक्स है जो काटेंगे, तो ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम आपको लाइव और प्रैक्टिकल तरीके से समझाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसको आप स्किप कर देते हो, जिसकी वजह से जब आप अपने लेवल पे टैली सॉफ्टवेयर में टैक्स की कैलकुलेशन करवाते हो तो वो टैक्स कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। उसकी वजह ये होती है कि आपने जो मेन पॉइंट होते हैं उसको आप स्किप कर देते हो। तो वीडियो को स्किप मत करके एंड तक जरूर देखना। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे TCS टैक्स के बारे में, और इससे पहले हमने TDS टैक्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा कि हम TDS की एंट्री की किस प्रकार से करते हैं और TDS टैक्स के लिए हमें टेली सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है जो किस प्रकार से करनी होती है, तो वो वीडियो भी आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाए हुए, उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। और आज की जो क्लास हमारी TCS की, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि अब हमें TCS है जो कलेक्ट करना होता है, और कलेक्ट ऑलमोस्ट ज्यादातर हम जब किसी को सेल करते हैं उस वक्त है जो टैक्स है जो कलेक्ट किया जाता है। वैसे तो काफी सारी सेक्शन है हमारी TCS के अंदर, जिसे यहाँ आप देख सकते हो, भी सेक्शन हमारी 206 सब सेक्शन 1 है, और इसके अंदर जो हमारी सर्विस है, जो हमारी TCS है, जिसके हमारा TCS का हमें एलिजिबल है टैक्स काटने के लिए, जहां पर आप देख सकते हो एल्कोलीज है, जिसके ऊपर हमारा जो TCS का रेट है 1% का, और यहाँ पर इसका जो TCS जो हमें चलान जमा कराना होता है उसका हमारा ये कोड होते हैं। तो और आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा सेक्शन हमारा 206 सब सेक्शन 1H के बारे में, यानी कि सेल ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले हम इस मैटर पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा भी, सेल ऑफ गुड्स यानी कि अगर आप अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको 0.1 के हिसाब से, आप परसेंटेज के हिसाब से आपको TCS जो कलेक्ट करना है। अब बात आएगी क्या सभी कंपनी को ये टैक्स कलेक्ट करना जरूरी है, सभी क्या मतलब जो हमारे बायर सब जो हमारे कस्टमर है क्या सभी से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी कंपनी का अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और आप अपने किसी भी कस्टमर को 50 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर आप सेल कर चुके हो एक साल के अंदर, तब आपकी ये लाइबिलिटी बनती है भी आपको 206(1H) के अंदर आपको TCS जो कलेक्ट करना है अपने कस्टमर से। अब बात आएगी भी आपको जो सेल है वो कब से कैलकुलेट करनी है, वो आपको यहाँ पर करनी है जब से हमारा GST स्टार्ट हुआ है। GST हमारा 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ से लेके अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक किसी भी साल के दौरान अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा की रही है, तो अब आपके ऊपर ये TCS का प्रोविजन है जो शुरू हो जाता है। इसकी सेटिंग आपको टैली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करनी है, सबसे पहले हम इसका सेक्शन देखते हैं। जो हमारा सेक्शन रहता है 206(c) सब सेक्शन 1H का, और इसका जो हमारा चलान कोड होता है वो 6CR का होता है, और ये सारी बातें सेल ऑफ गुड्स के यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी पर्सन बींग ए सेलर वो रिसीव एनी अमाउंट एज ए कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एग्जिस्टिंग 50 लाख रुपीज एनी प्रीवियस ईयर अदर देन गुड्स बींग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया गुड्स कवर्ड इन दी सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 1F और सब सेक्शन 1G। यानी कि अगर आपका कोई सिंगल पर्सन है 50 लाख रुपए से ज़्यादा आप उसको सेल कर चुके हो और आपकी कंपनी की जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा की है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको 0.1% का TCS है जो कलेक्ट करना है। और यहाँ पर एक बजट के अंदर अपडेट ये भी दिया गया था 194Q का TDS सेक्शन, यानी कि अब मान लीजिए आपका जो बायर्स है उसको आपने सेल तो 50 लाख रुपए से ज़्यादा कर दी, लेकिन आपके बायर्स की भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा की है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर
आपका बायर है वो आपके परचेज सेल के ऊपर टीडीएस कटेगा, यानी कि आपके बायर की परचेज होगी वो परचेज के ऊपर है जो टीडीएस कटेगा 194Q सेक्शन के अंदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी जो टीसीएस काटने की जो लायबिलिटी है वो हट जाएगी 206 सबसेक्शन 1H की। किस कंडीशन के अंदर? अगर आपके कस्टमर की जो जिसको आप 50 लाख रुपए से ज्यादा की सेल कर चुके हो उसकी भी टर्नओवर 50 करोड़ से 10 करोड़ से ज्यादा की है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है, तो आपके ऊपर टीसीएस की लायबिलिटी हट जाएगी। तो सबसे पहले हमें टैली सॉफ्टवेयर के अंदर टीसीएस टैक्स को इनेबल करना होगा। टीसीएस टैक्स को इनेबल करने के लिए हम F11 बटन प्रेस करेंगे और वहां पर आपको टैक्सेशन के हेड के अंदर यहां पर आपको दिख जाएगा टीसीएस का, इसको ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे हम इसको यस करेंगे तो आपके पास जो टीडीएस वाला जो 10 नंबर है वो यहां पर आपको लिखना होता है, ठीक है। अब आपके पास जो भी अगर आपके पास रजिस्टर्ड है तो आप यहां पे डालोगे इसको, मैं जैसे एक बार डाल रहा हूं इसके अंदर। तो ऐसे के अंदर आप जब कलेक्टर टाइप है यानी कि आपकी जो कंपनी है या फिर इंडिविजुअल है, तो हम इसको इंडिविजुअल रखते हुए इसको मान रहे हैं। जो आपका कलेक्टर सब डिवीजन हो आपको यहाँ पर जो डिवीजन है वो यहाँ पर लिख देनी है आपको। उसके बाद में सेट एल्टर डिटेल्स पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो टीसीएस या टीडीएस को जो भी हैंडल कर रहा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट है जो करनी होती है सारी। और उसके बाद में इग्नोर आईटी एग्जम्पशन लिमिट, इस ऑप्शन को आपको यस रखना होगा। एंटरप्राइज करते हम इसको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहला काम आपका ये हो चुका, आपने टीसीएस टैक्स को इनेबल कर चुके हो। अब आपको एक लेजर क्रिएट करना होता है, लेजर वैसे आपके पास ऑलरेडी क्रिएट होगा लेकिन हम इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए मैं एक लेजर क्रिएट कर रहा हूं मेरे कस्टमर का। मैं क्रिएट पे जाऊंगा, लेजर पे जाऊंगा। मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लेजर मैंने क्रिएट कर दिया अमेमेंड कंपनी के नाम से। अब मेरा ये कस्टमर है तो मैं इसको सैलरी एडैप्टर में रखूंगा। और उसके बाद में जैसे मैं इसको लेजर क्रिएट करूंगा तो एक ऑप्शन मेरे पास आएगा इज टीसीएस एप्लीकेबल, यानी कि इस कस्टमर का टीसीएस आप कलेक्ट करोगे क्या। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें टीसीएस एप्लीकेबल करना होता है, लेकिन उससे पहले हमें एक टीसीएस का क्लास है जो क्रिएट करनी होती है। इसके लिए हम क्रिएट पर जाएंगे और वहां पर आपको एक टीसीएस का एक ऑप्शन दिखेगा स्ट्रेची डिटेल के अंदर, टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स, यानी कि कौन से गुड्स के ऊपर आप जो टीसीएस है कलेक्ट करोगे। तो टीसीएस पे हम चलेंगे, यहां पर हम क्या करने वाले हैं सेक्शन आप यहां देख सकते हो, सेल ऑफ गुड्स वाला, सेल ऑफ गुड्स, और यहां पर आप लिखते हो 206C का। अब यहां पर इसकी सेक्शन रहेगी, सेक्शन हमारी क्या रहेगी 206C सबसेक्शन 1H के बारे में, 206C सबसेक्शन 1H। इंटरप्रेस करेंगे, पेमेंट कोड क्या रहेगा, पेमेंट कोड इसका रहता है 6CR का, 6CR। और उसके बाद में जो आपका टैक्स आपने कलेक्ट करना है वो कितने परसेंट करना है विद पेन के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेन के साथ तो है 0.1। अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपको 1% का टीसीएस है जो कलेक्ट करना है। पहले कितना करना है 0.1, ठीक है, और विदाउट पेन के साथ में 1%, तो ये दोनों के लिए सेम रहेगा। उसके बाद के अंदर इसकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो कितने रहने वाली है 50 लाख, यानी कि 50 लाख रुपए तक टीसीएस है जो नहीं कटना चाहिए। और जैसे 50 लाख रुपए किसी ऊपर अमाउंट क्रॉस करेगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर टीसीएस है जो कट जाना चाहिए। यहां पर हमें लिमिट देते हैं इसकी, तो मैंने यहाँ पे 50 लाख की लिमिट डाल दी। और उसके बाद ऑप्शन आएगा कैलकुलेटर टैक्स वैल्यू एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि इसकी एग्जेम्पशन लिमिट कटने के बाद इसका टैक्स कटना चाहिए। इसको हम यस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमने टीसीएस का एक नेचर क्रिएट कर दिया। अब हम एक लेजर क्रिएट करते हैं एमएमएंड कंपनी के नाम से, ये हमारा कस्टमर है तो हम इसको सैलरी एडैप्टर में रखेंगे। और उसके बाद में टीसीएस हमें कलेक्ट करना है तो हम इसको यस करेंगे। तो जैसे हम इसको यस करेंगे तो ये पूछेगा जो आपकी एमएमएंड कंपनी है वो किस टाइप का करेक्टी है, वो कोई कंपनी है, इंडिविजुअल है या किस तरीके का है। तो हम इसको एज ए इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंस मानते हुए इसको करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर टीसीएस, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। और यस करने के बाद में आपको क्या करना है, इग्नोर सरचार्ज लिमिट नो रखना है और यहाँ पर इग्नोर इनकम टैक्स लिमिट इसको आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना होगा। एंटरप्रेस करते हैं हम इसको,
एक्सेप्ट करेंगे और यहां पर हम इसका एक बार पेन नंबर जरूर लिखेंगे, क्योंकि बिना पेन नंबर के ये 1% के हिसाब से टैक्स है जो कैलकुलेट करेगा। एंटर प्रेस करते हैं, इसको एक बार एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमने कस्टमर का लेजर क्रिएट कर लिया। अब आपके पास टैक्स आपने कैलकुलेट कलेक्ट करना है, तो आपको यहां पर एक लेजर और क्रिएट करना होगा टीसीएस ऑन सेल का। तो ये हमारा लाइबिलिटीज है, इसको हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे और इसका ड्यूटी टाइप हम रखेंगे इसके अंदर टीसीएस के अंदर। और टीसीएस के अंदर हम क्या रखेंगे, सेल ऑफ गुड्स, जो अभी हमने नेचर ऑफ गुड्स का एक क्लास क्रिएट करी थी, इसको रखते हुए इसको एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में जो हमारा टैक्स हमें कैलकुलेट करना है वो नेट अमाउंट पे करना है, यानी कि उस अमाउंट के अंदर जीएसटी इंक्लूड होगी। तो अब हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो हमने लेजर क्रिएट करते हैं उस लेजर के ऊपर भी हमें टीसीएस को एप्लीकेबल करना होता है। तो इसके अंदर सीजीएसटी को करेंगे और उसके बाद में यहां से हमारे से पूछा जाएगा टीसीएस एप्लीकेबल, तो हम इसको एप्लीकेबल करेंगे। और एप्लीकेबल करने के बाद सेल ऑफ गुड्स को यहां पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां पर आपको जो एप्लीकेबल डेट है वो दे देनी है। एंटर प्रेस करते हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से जो हमारा एसजीएसटी का लेजर है उसके अंदर भी हम इसको क्रिएट एप्लीकेबल और सेल ऑफ गुड्स करेंगे। और उसके बाद में जो आप सेल करोगे, जो सेल का लेजर आपने क्रिएट कर रखा है उसके ऊपर भी आपको टीसीएस है जो एप्लीकेबल करना होगा। तो मान लीजिए मैं इसको 12% वाला गुड्स है जो सेल करूंगा, तो मैं 12% वाले सेल गुड्स को करते हुए लास्ट में आऊंगा, तो यहां पर ऑप्शन एक आएगा मेरे पास में सेट अल्टर अदर स्टेटरी डिटेल, इसको मैं यस करूंगा। और यस करने के बाद में इस टीडीएस एप्लीकेबल एप्लीकेबल करेंगे और एप्लीकेबल करने के बाद में नेचर ऑफ गुड्स पूछेगा, तो सेल ऑफ गुड्स यहां पर हम इसको रखेंगे। एंटर प्रेस करेंगे और इसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप जितनी भी आपके हर सेल पे आप लगाओगे तो आपको हर सेल के ऊपर इस चीज को एप्लीकेबल कर देना है टीसीएस को। तो मान लीजिए मैं 18% की भी इसके जरूरत मेरे को पड़ सकती है, तो मैं सेल ऑफ गुड्स को 18% के अंदर भी एप्लीकेबल कर देता हूँ। तो ये आपकी टीसीएस टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। अब बात आएगी भी अब हमें टेली सॉफ्टवेयर जब इसकी हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसको किस प्रकार से करेंगे। अब हम सेल करेंगे, मान लीजिए मैं इसको जाऊंगा सेल के ऊपर, ठीक है, इनवॉइस नंबर एक बार हम डाल देते हैं। अब मैं एक बार इसको एंट्री को 1 अक्टूबर 2023 में कर रहा हूँ ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब हमें सबसे पहले एम एम एंड कंपनी जो हमने डेप्टर का एक लेजर क्रिएट किया था, उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, जो भी आप उसको आइटम सेल कर रहे हो उस आइटम को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी आपको डाल देनी है। अब मान लीजिए इसकी क्वांटिटी मैंने डाल दी 40 लाख रुपए की, एग्जाम्पल को समझने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक जीएसटी 12% सेल का लेजर हमने क्रिएट कर लिया था, यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स की जो टैक्सेबल वैल्यू वो ऑटोमेटिक आ जाएगी आपकी। और उसके बाद में आपको सीजीएसटी का लेजर, तो सीजीएसटी की यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू ऑटोमेटिक उठा लेगा, एसजीएसटी हम टैक्स सेलेक्ट करेंगे उठाएगा, ठीक है। उसके बाद हम टीसीएस ऑन सेल करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हो टीसीएस ऑन जो गुड्स की सेल है वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो 50 लाख रुपए की है, वो 50 लाख रुपए क्रॉस होने के बाद में वो एंट्री है जो पास होगी। मान लीजिए मैंने टीसीएस लेजर को यहाँ से हटा दिया और इस लेजर को वाउचर को मैंने कंट्रोल ए से पास कर दिया, क्योंकि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं राउंड ऑफ कर देते हैं इसको, तो इसकी जो वैल्यू है वो पूरी 40 लाख रुपए की, ठीक है। कंट्रोल ए के साथ मैंने इस वाउचर को एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं एक एंट्री पास करता हूँ 2 अक्टूबर के अंदर, ठीक है, इनवॉइस नंबर हम लगा देते हैं। उसके बाद में सेम उसी कस्टमर को हम लेजर सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट आपके पास कोई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है भी सेम ही आपको प्रोडक्ट रखना है, कोई भी चेंज हो सकता है। क्वांटिटी एक, अब मान लीजिए यहाँ पर मेन्यू इस वैल्यू इसकी रख दी मैंने 10 लाख रुपए की, या मैं इसको 15 लाख रुपए की वैल्यू डालता हूँ। प्रेस करेंगे, यहां पर इसकी सेल ऑफ गुड्स की जो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स, ठीक है। अब इसकी टोटल वैल्यू हमारी बन गई 15 लाख रुपए की। अब पिछला इनवॉइस तो हमारा था 40 लाख रुपए का, अब ये हो गया 15 लाख रुपए का, यानी कि टोटल सेल हमारी कितनी होगी 55 लाख रुपए की। अब हम यहां पर टीसीएस टैक्स की
कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन करी, आप देख सकते हो इसने 500 रुपए की टैक्स की कैलकुलेशन है जो ऑटोमेटिक कर दी। अब इसने 500 रुपए की टैक्स की कैलकुलेशन कौन सी करी है, 55 लाख रुपए की टोटल सेल है। अब 55 लाख रुपए के अंदर जो पहले 50 लाख है उसको माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद हमारी अमाउंट कितनी बचेगी, 5 लाख रुपए। और उस 5 लाख रुपए के ऊपर हमारा जो टीसीएस है वो 0.1 के हिसाब से 500 रुपए का यहां पर वैल्यू उठाएगा। एंटर प्रेस करेंगे और इसको हम वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब इसकी टैक्स की कैलकुलेशन होगी। अब इसके हम टीसीएस की रिपोर्ट को जाके देखते हैं। डिस्प्ले पे हम जाएंगे, स्ट्रेचरी रिपोर्ट पर चलते हैं, टीसीएस रिपोर्ट पर जाएंगे, और उसके बाद में फॉरम 27EQ को हम सारी डिटेल को चेक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो आप देख सकते हो इसने जो वैल्यू उठाई है 500 रुपए की, वो कौन सी अमाउंट पे उठाई है, जो 5 लाख रुपए की है। हम इसको एक बार इनवॉइस को राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ताकि हमारी वैल्यू जो पूरी 5 लाख रुपए की दिखाई गई है। एंटर प्रेस करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है इनवॉइस की टोटल वो 5 लाख रुपए आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ देख सकते हो भी अंडर एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 50 लाख रुपए की। ऊपर अमाउंट अपनी आपकी 5 लाख रुपए की, तो ये 5 लाख रुपए के हिसाब से आपका 500 रुपए का जो टैक्स है वो करेक्टेबल है, यानी कि अब इस 500 रुपए का आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपने टैक्स जो कलेक्ट किया है, तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी कंपनी की अब ये लायबिलिटी बन चुकी है, अब इस 500 रुपए को आपको गवर्नमेंट को भी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अब आपकी ये लायबिलिटी अगर आप चेक करोगे, बैलेंस शीट पे हम चलते हैं, L-F1 के साथ डिटेल को ओपन करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर टीसीएस ऑन सेल की जो वैल्यू है 500 रुपए की, वो आपकी लायबिलिटी अब बन चुकी है। जैसे हम इस मतलब टैक्स का चलान हम जब जमा कराएंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करना पड़ेगा, एक पेमेंट की वाउचर हमें करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने इसको 1/11 के अंदर इसको जमा करा दिया, डेट आपकी कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपका चालान का नंबर आएगा वो आपको डालना है, उसके बाद में डेबिट हम किसको करेंगे, टीसीएस ऑन सेल को। तो यहाँ पर आपसे डिटेल पूछा जाएगा कि कौन सी अगेंस्ट रेफरेंस कौन सा है, 500 रुपये वाला, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और क्रेडिट हम किसको करने वाले हैं, बैंक को, जिस बैंक से आप अपना टैक्स जो जमा करवाते हो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम टीसीएस टैक्स को डेबिट करेंगे। अब वापस हम बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, तो ये हमारी जो लायबिलिटी है वो अब खत्म हो चुकी है। L-F1 के साथ डिटेल देखते हैं, ड्यूटी टैक्स पे जाएंगे, तो अब यहाँ पर आपको टीसीएस ऑन सेल की जो लायबिलिटी अभी दिख रही थी वो अब यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो इस प्रकार से आप जो भी सेक्शन के अंदर एंट्री करना चाहो चार्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी कंपनी के ऊपर ये मतलब आपकी लायबिलिटी बन रही है टीसीएस कलेक्ट की जिस भी सेक्शन के अंदर, तो सभी का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है जो अभी आपने इस क्लास के अंदर देखा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना।